सैकड़ों बेकसूर और निहत्ते फलस्तीनियों के कत्ल पर चांद वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष वहीदा खातून ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने फलस्तीनियों के कत्ल पर दुनिया की मुजरिमाना खामोशी पर सवाल उठाया है। बता दें कि वहीदा खातून के कयादत में चांद वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले बड़ी तादाद में लोगों ने इजरायली आतंक और हैवानियत के खिलाफ कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि इजराइल गाजा पट्टी के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, इजराइल मासूम बच्चों को खास तौर पर निशाना बना रहा है, गाजा पट्टी में पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है, गाजा पट्टी के लाखों लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने की योजना है। इजराइल की हैवानियत देखकर शैतान भी शर्मा गया है, लेकिन इतना जुल्म होने के बावजूद दुनिया ना सिर्फ खामोश है बल्कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क फलिस्तीनों के नरसल हार के इस योजना में इजराइल का साथ दे रही है। लेकिन दुनिया जान ले कि इजराइल चाहे जितना भी जुल्म कर ले वो फलस्तीन को आज़ाद होने से रोक नहीं सकेगा। वहीदा खातून ने कहा कि चांद वेलफेयर सोसाइटी हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ता रहा है और बुराई के खिलाफ हमारी ये जंग आगे भी जारी रहेगी। फलस्तीन के समर्थन और इजरायली आतंक के खिलाफ हम लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मिल करके इसके लिए आवाज़ उठाए। हम लोग कर तो कुछ नहीं सकते, इतना कर सकते हैं कि हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं या कि वहाँ पर क्या हो रहा है इसका एहसास तो कर सकते हैं। यही फीलिंग सबसे बड़ी बात है। हम लोग ये नहीं बोले कि आप औजार लेके वहाँ चलिए, हम लोग ये नहीं बोले कि आप किसी को मारिए, लेकिन कम से कम इसराइल के बारे में जो हो रहा है आज जो कुछ भी, उनको तो कम से कम सबक मिलना चाहिए ना। तो उनके लिए हम लोग बस इतना ही करें कि उनको तक पैगाम पहुँचे कि हम लोग आए साथ। जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप कुछ भी काम आप सब मिल करके, हम सब मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है जो भी है, सब मिल करके हम लोग को एक होकर काम करना चाहिए। बस यही है कामयाबी का जरिया, और क्या कर सकते हैं। चांद के वेलफेयर सोसाइटी के अगेंस्ट में ये जो प्रोग्राम हो रही है फलस्तीन के प्रोटेस्ट के लिए, हम सबों को चाहिए, हम सब मुसलमानों को चाहिए कि फलस्तीन के प्रोटेस्ट करें और उनकी जितनी सारी ब्रांड है उसको सब बैंड करना चाहिए, क्योंकि ये आज के जो माहौल है मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रही है, अगर हम सब प्रोटेस्ट ना करें तो इन लोगों का हिम्मत और अफजाई होगा। तो हम लोग को सबों को चाहिए कि इसको प्रोटेस्ट करके फलस्तीन के पे हक में बात करके इधर के बारे में भी करें। हम सबों को चाहिए एक साथ खड़े होकर ये प्रोडक्ट को बैंड करें, और ये प्रोडक्ट को बैंड करने के बाद उन लोगों के ऊपर ये हमिंग करें, ताकि हम सब खड़े होकर ये प्रोडक्ट को बैंड करने के उन लोगों के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट हो और हम लोगों को इसके ऊपर भी आगाही करें। बेशक हम सब मुसलमानों को जागर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है बहुत इफेक्ट दे रहा है। हम लोग उसको हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम लोग व्यवहार करने के बाद उन लोगों का हिम्मत और जोर हो रहा है। तो हम लोग हम सब मुसलमानों को चाहिए कि एक साथ खड़े होकर ये प्रोडक्ट को बैंड करें। मुसलमान को हम लोग एक होना चाहिए, हर एक इलाका में ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, सबको एक होकर ऐसा प्रोडक्ट बंद करना चाहिए। बस इसी के लिए हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं, ये प्रोग्राम सबको करना चाहिए। हर मुस्लिम कंट्रीज को देख रहे हैं लेकिन कान को बंद करके और मुँह चुप करके बैठा हुआ है। हम लोग दिल में बहुत जज्बा है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हाथ बंद है, ना जा सकते ना कुछ कर सकते। बस ये कर सकते हैं कि उसका बहुत सा प्रोडक्ट है उसको बैकवर्ड कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सबसे बड़ा जो मुस्लिम कंट्री है वो है सऊदी अरब, OIC का सबसे बड़ा सरगना वही है। लेकिन ऐसा माने मुंह चुप करके बैठा हुआ है, बहुत तकलीफ होता है दिल में। छोटे छोटे मासूम बच्चा का लाश देखते हैं हम लोग न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, बहुत तकलीफ। देखिए हम लोग को कोशिश करते हैं, अपना सरकार में बोलते हैं कि भाई इसको बैंड करो। अब हम कोई सामान को जाके उसको नोच के फेंक नहीं सकते, अगर नोच के फेंकेंगे हम लोग हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ केस में हमको भी अंदर कर दिया है कि भाई ये लोग गलत तरीके से बैकवर्ड कर रहे हैं, कि हम लोग तरीके से उसको बैकवर्ड करेंगे। हम लोग सर्कल है, आज हमारा मोहल्ले में प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग कल सुबह से हम लोग बोलेंगे अपने दोस्त को कि भाई देखो इसको बैकवर्ड करो, इसका प्रोडक्ट तो बहुत है, कितना बैकवर्ड करें हम, लेकिन जहाँ तक कोशिश करें उसको बैकवर्ड करना है। भाई मुसलमान से गुजारिश है कि उसको प्रोडक्ट बैंड किया जाए और खाना नहीं चाहिए, जैसा पिज़्ज़ा है, जैसा मैकडोनल्ड है, जैसा KFC है, इस सबसे दूर करें, उसको प्रोडक्ट से कैंसिल किया जाए। प्रोग्राम होना चाहिए, जैसा हम लोग यहाँ स्टूडेंट 11 क्लब है, हम लोग का हम लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं और सब मिल के हम लोग
तो हम लोग चाहते हैं कि हर मोहल्ले में ऐसा एक प्रोग्राम होना चाहिए ताकि उन लोग भी हर मोहल्ला मोहल्ला में खबर पहुँच सकते आप लोग से जरिए। हमारे यही कहना चाहता हूँ चांद वेलफेयर ट्रस्ट को कि एक वहीदा खातून साहिबा जो है इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम को उन्होंने सजाया है और फ़लस्तीन के ऊपर में लोगों को तरह तरह के स्पीकर को बुलाकर उन्होंने लोगों को आवाज़ उठाने की उनकी ज़मीर को जगाने की कोशिश किया। अल्लामा इकबाल का एक शेर आता है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। तो जाहिर सी बात है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए कहना चाहता हूं कि वो आए और फ़लस्तीन के हिमायत में कुछ चंद बातें कह के और तरह हर अपने मोहल्ले में अपने गली में हर जगह अपना प्रोटेस्ट करे, छोटे प्रोटेस्ट करे, एक मंच सजा कर मैं कहना चाहता हूं। और मैं ये वहीदा खातून कहता हूँ ऐसी लेडीज़ बहुत कम मिलती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर फ़ायदा। देखिए ये तो हमारे कुरान का मामला है और हमारे अल्लाह का मामला है, अल्लाह अगर चाहे अपना करम एक मिनट के अंदर इज़राइल की मतलब हुकूमत को तबाह बर्बाद कर सकती है। और हम दुआ भी यही कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़िलिस्तीनी भाई बहनों को, मेरे मज़लूमों को अल्लाह ताला हिफाजत में रखे और वहाँ पर मस्जिद अल अक्सा के लिए जो हमारे फ़िलिस्तीनी भाई बहन शहीद हो रहे हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और साथ ही साथ इज़राइल के नेतन्याहू को निस्तो नाबूद कर दे। एक वक्त था जब इज़राइल को कहीं भी किसी दुनिया के किसी कोने में अपने पैर को रखने की ज़मीन नहीं मिल रही थी, उस वक्त मेरे फ़िलिस्तीनियों ने उन्हें जगह दी थी। आज सरपरस्ती होने देने का मतलब यही है कि आज मैंने आपका उंगली पकड़ाया और आपने हाथ पकड़कर हमें कत्ल करने की कोशिश की, तो ये बहुत बुरा मंजर है। हमने करबला नहीं देखी लेकिन हम फ़िलिस्तीन अपने आँखों से देख रहे हैं, वो मंजर देखा नहीं जाता। और अल्लाह की तरफ से अभी भी हमारे जो मुसलमान ममालिक है 57 कंट्री वो सो रहे हैं। अफसोस की बात यही है कि अगर हमें चाहे अगर हमको फ़िलिस्तीन भेजा जाए, लेकिन मेरा मुझे नहीं लगता कि इस तरह का मेरा मुकद्दर है कि शहादत मेरा नसीब बने, लेकिन अगर भेजा जाए तो मैं उन लोगों के साथ शहीद होना चाहूँगा। आज का जो निज़ाम है कुदरत का निज़ाम है ना कि पावर जिसके पास है लोग उसी के हो रहे हैं। हक और बातिल को समझने का फ़र्क है। हमास कैसे दहशतगर्द हो सकता है? अगर हमास दहशतगर्द है तो आज हिंदुस्तान भी दहशतगर्द है, क्योंकि अंग्रेज़ों के हाथ में जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था तो हमारे आबा अजदाद ने जो लड़ाई लड़ी थी आज फ़िलिस्तीन अपने वजूद की अपनी बका की जंग इसी तरह से लड़ रहा है। तो हमारे अब अजदाद ने भी अपनी बका की हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी, तो सबसे पहले तो हमारा हिंदुस्तान टेररिज्म की तरफ होने का सबूत देता है, उसके बाद फिलिस्तीनी। किस तरह से हमास दहशतगर्द है इसका एक एग्जांपल, अगर हम अपनी ज़मीन को छीनने के लिए और आपसे लड़ाई कर रहे कि हमारी, एक तो पहली बात आपने ज़मीन को कब्ज़ा किया, दूसरी बात आप जो है आप रोज़ के रोज़ जो है उसको और भी छोटा करते चले जा रहे, तो जाहिर सी बात है अगर आप हमारे घर पर कब्जा करेंगे तो क्या हम खामोश रहेंगे? कि मैं यही कहूंगी कि लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करके क्या होगा, एहतजाज करके क्या होगा, पहले आप आए तो सही, पहले आप आए तो सही। अगर इसी तरह से जिस तरह से करबला का मैदान, मैं आपको हदीस के ही जरिए इसको समझाना चाहूंगी कि जिस तरह से करबला का मैदान था और वहां पर एक तरफ 72 थे, एक तरफ यजीद की पूरी हजारों की फौज थी, तो उस तरह से अगर इमाम हुसैन ने उनके हाथ पर बैत कर ली होती तो आज हक और बातिल में हम कभी फैसला ना कर पाते। उसी हक और बातिल की जंग है यहाँ पर और हमें इस जंग के फिलिस्तीन के सपोर्ट में है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फिलिस्तीन से हमारा रिलीजियन मामला है, जो मस्जिद अल अक्सा है और बैतुल मुकद्दस से हमारा किबला अव्वल है, जहाँ पर हमारे 124,000 अंबिया इकराम ने नमाजें अदा की, जिसकी नमाज की इमामत मेरे नबी ने की और जिस नबी की हम उम्मत से हैं। और उस नबी के लिए देखिए, नबी और अल्लाह चाहे, ये नबियों का और अल्लाह का मामला है, अगर अल्लाह चाहे तो एक मिनट में जंग फतह करा सकता है, लेकिन हमें लगता है कि अल्लाह ताला को दिखाना था कि जिस उम्मत की तारीफ मेरे नबी ने सहाबा इकराम के बीच में बैठ कर किया था कि मेरी आने वाली उम्मत में एक उम्मत ऐसी होगी जिसने ना मेरे चेहरे व दुहा को देखा होगा, ना मेरी जुल्फे व लैल को देखा होगा, और वो मेरी सुन्नतों को अमल करके मेरी सुन्नतों को आबाद करेगी। चांद वेलफेयर ट्रस्ट की रूह रवा मोहतरमा वहीदा खातून को मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि एक खातून होकर उन्होंने जो ये इकदाम उठाया है फ़लस्तीन के मासूम
बेसर व सामान निहत्ता लोगों के कत्ले आम के खिलाफ वो सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने सबों से भी इल्तिजा की सभाएँ। माशाल्लाह घास बगान के इस इलाके में मैं तमाम लोगों को देख रहा हूँ कि वो लोग घर से निकले एहतजाज में शामिल हुए हैं और यही पैगाम मैं देना चाहूँगा कि आप खामोश ना रहें, जो भी एहतजाज बर्पा करे कहीं भी करे किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक़ हो किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, अगर वो उनके दुश्मनाई कर रहा है फलस्तीन के लोगों के लिए बरहम पट्टी में वो शामिल हैं उनके ज़ख्म को भरना चाहते हैं अपनी आवाज़ से, तो उन लोगों को चाहिए कि वो उसमें शामिल हो जाएं ताकि उन्हें ये महसूस हो कि वो अकेले नहीं हैं। आज सबसे बड़ा मसला यही है कि 57 इस्लामी ममालिक हैं लेकिन चंद इस्लामी ममालिक जो हैं उनकी बरहम पट्टी कर रहे हैं, बाकी सब तमाशबीन बन के हैं। ये बहुत ही एक बड़ा अलमिया है हमारे इस्लाम के तमाम इस्लामी ममालिक के कि वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत गंदा ये जहन में उनकी ये गलाजत पेवस्त हो गया है और उसको साफ़ करने की ज़रूरत है कि ऐसा ना कहें कि वहाँ हो रहा है तो हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। तो अगर आप आज उनकी मजलूमी पर उनकी परेशानियों में मुसीबत में उनका साथ आज आप नहीं देंगे तो कल ये मुसीबत आपके साथ भी होगी, तो फिर आप भी वैसे ही सोचते रह जाएंगे कि वो भी आपके लिए आपकी हिमायत में उतरें, तो वो नहीं उतरेंगे। ऐसा ही होता है कि जब उन तमाम चीज़ों को वापस लेने के लिए उतना ही तमाम दुनिया के मुसलमानों पर लाजिम है कि वो भी उस बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए सरापा एहतजाज होकर, यही मौका है कि वो उनका साथ दें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि जितना आप मैदान अमल में आज लड़ रहे हैं अपने जानों की शहादत पेश कर रहे हैं हम लोग भी आपके साथ हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी अपने तरीके से शहादत पेश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अफसोसनाक ये मामला है कि तमाम इस्लामी ममालिक अभी तक खामोश हैं। उनको चाहिए कि जैसे ईरान, तुर्की, आपके सीरिया, लेबनान, ये तमाम मुल्क सामने आ चुके हैं और ये तमाम लोग खुलकर फलस्तीनियों का साथ दे रहे हैं, तो बाकी ममालिक को भी चाहिए जो नाम निहाद जो खुद तो कह रहे हैं कि हम इस्लामी ममालिक हैं, तो आपका इस्लामी ममालिक में तो इस्लाम का कोई हुबू नज़र नहीं आ रहा है, कोई बात ही नज़र नहीं आ रही है कि आप वहाँ पर उन पर जुल्म हो रहा है और आप वहाँ पर शकीरा डांस कर रही है आपके सऊदी अरब में आकर। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि जहाँ पर बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे हैं वहाँ सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में शकीरा आकर डांस कर रही है, तो ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है। उनको तकलीफ मिल रही है जो लोग हमला आवर हैं, उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये खुद एक नहीं है, इस्लामी ममालिक ही आपस में लड़ रहे हैं एक नहीं है, इसलिए उन्हें और आराम से वो लोग हमला आवर हो रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप अपने तमाम मसलक को बालाए ताक रख कर इस एहतजाज में शामिल हों। माहौल ऐसा तैयार कर दिया गया है हम लोगों के साथ, खास करके मुसलमानों के साथ में, इस हिंदुस्तान बोलिए या भारत बोलिए, ये इसमें ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है कि मुस्लिम को बांट दिया गया टोटली। पहले तो हम फिरके में बटे हुए थे, अब जो है हम लोगों को एक मतलब सियासतदान लोग जो है ना अपने शिकंजे में उन लोग ले लिए कि आप सब अलग हैं। अगर यहाँ पर कहीं पर भी आप कोई प्रोग्राम करती हैं, अगर एक सियासतदान जो है अगर उनको बोल दे कि आप उनके पास मत जाइएगा तो मुस्लिम वहाँ बढ़ चुके हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जा करके शामिल हो जाए और बोले मुसलमान एक मेरा भाई है। आज ये पैगाम और मैसेज देने के लिए मुसलमान कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो चुका है और वो मतलब आप यकीन मानिए, आप जितने भी न्यूज़ वाले हैं आप सारी जगह घूम रहे हैं, गोदी मीडिया का तो काम है उल्टा दिखाना, लेकिन आप लोग जो सोशल मीडिया वाले हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और आप लोग ये सच्चाई को दिखाना चाहते हैं, तो आप देखिएगा मुसलमान बहुत कमज़ोर हो गया है। आज जो सऊदी, बहरीन, कुवैत, ये लोग तो कमज़ोर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ आज हिंदुस्तान का और भारत का मुसलमान इतना कमज़ोर है। मैं उन उलमाओं से कहना चाहता हूँ, उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो भारत में रहते हैं, क्या हम एक दिन ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन के लिए पूरे भारत को बंद करके अपने काम काज जुलूस निकाले और वो शांतिपूर्ण जुलूस हो और आकर के हम वहाँ बोलें कि नहीं हम एक मैसेज दे कि इसराइल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको बायकॉट किया जाए, ये एक मैसेज हम लोग दे सकते हैं। हम तो जाके वहाँ लड़ नहीं सकते, अगर आज भी हमें मौका मिल जाए कि कितने मुसलमान जाकर के वहाँ जंग करना चाहते हैं, हमको लगता है कि भारत से पूरे मुसलमान वहाँ पहुँचे। ऊपर में हावी है तो हम फिर वहाँ से अलग हो जाते हैं और बिल्कुल हम छट जाते हैं। आप देखे होंगे बंगाल में इतना जगह ये हुआ, एहतजाज हुआ, लेकिन लोग वहाँ पर आके फंस जाते हैं कि कुछ लोग ये दल के हैं, कुछ लोग वो दल के हैं, पाक सर्कस में अलग लोग कर रहे हैं, कमरहट्टी में अलग लोग कर रहे हैं, टीपू सुल्तान मस्जिद के पास अलग कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, बंटवारा हम लोग क्यों करें, जहाँ पर हमारा इस्लाम का बात है, जहाँ मुसलमान का बात है हम एक हो। बाकी जो भी पार्टी हम करते हैं वो मेरे दिल में है, हम अपने घर परिवार बच्चे के लिए वो दिल से हम कर